पब्लिक टीवी आपकी आवाज। धन्यवाद योगी जी, जो आपने पाल समाज के व्यक्तियों के मारने वालों को मिट्टी में मिला दिया। ये कहना है अखिल भारतीय पाल समाज के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमारी पाल का। आज माफिया अतीक अहमद के फरार बेटे अरशद का एसटीएफ द्वारा झांसी में एनकाउंटर होने के बाद पाल समाज के प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया के सामने आकर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया। बाबा ने माफिया राज का खात्मा किया है, योगी जी अपने मिशन को जारी रखे हुए हैं। उन्होंने जो कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, उन्होंने वो कर दिखाया। राजेश कुमारी पाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया है। मैं पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ यूपी गवर्नमेंट का, योगी आदित्यनाथ का, और उस पर भी सबसे ज़्यादा यूपी पुलिस का कि उन्होंने एक क्राइम का अंत किया है। उन्होंने बहुत सारे मर्डर किए होंगे, लेकिन एक पाल समाज का मर्डर किया, एक ऐसे समाज के व्यक्ति का मर्डर किया जो हमेशा ईमानदारी पर चलते हैं, मेहनत की खाते हैं, और माफिया राज स्थापित हो रहा था उसका सफाया किया है, उसका अंत किया है यूपी गवर्नमेंट ने। योगी आदित्यनाथ का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने एक पाल समाज के व्यक्ति पे हाथ डाला, एक बेगुनाह पे हाथ डाला, उसका उन्होंने बदला लिया है। और किसने देखते हैं आपको इसको पूरे पूरा? अच्छा काम कर रही है यूपी गवर्नमेंट, अच्छा काम कर रही है और ठीक ठाक शासन चल रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, आने वाले टाइम में और भी ज्यादा अच्छा होगा। जी जी जी, तो पाल समाज इस कार्रवाई को किस तरीके से देखता है? अच्छी तरह से देखता है पाल समाज को लग रहा है कि अगर हमारा साथ, अगर किसी के भी साथ, हमारे साथ नहीं, किसी के भी साथ अन्याय होता हो रहा है तो उसको गवर्नमेंट देख रही है और उसको कार्रवाई कर रही है, ठीक से कार्रवाई हो रही है। जैसे योगेश दनात ने कहा था कि माफिया को मिट्टी मिला देंगे, वो अपना मिशन में कामयाब है, वो अपने मिशन को जारी रख रहे हैं और उस मिशन को कामयाबी की तरफ जा रहा है। वो मिट्टी में ही मिलना है, सब कुछ उसका नष्ट हो गया। और मैं तो यही कहूँगी कि जो भी व्यक्ति अगर कहीं आतंक करता है, बेगुनाहों का शोषण करता है, तो उसका अंत भी इसी तरह होता है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।